नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और ये जो पोर्शन है वो हमने अभी तक फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिया है, बायो का 6 लेसन कंप्लीट करवा दिया है। अब हम केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे जिसमें आज हम क्लास 10th के पहले लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इस लेसन को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो सबसे पहले इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। फिर हमें क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें उन्हें बैलेंस करना सीखना है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें फर्दर क्या करना है, बैलेंस करने के बाद हमें ये देखना है कि बैलेंसिंग हमें कैसे करनी होती है LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, हमें उन सब चीज़ों की बैलेंसिंग करने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी स्टेट के बारे में भी लिखना होता है, जो कि क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ की स्टेट क्या है, सॉलिड क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या एक्वस, जो कि एक तरीके से लिक्विड को ही हम दिखाते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर हमें आगे मूव करना है इस लेसन में, आगे चल के हमें क्या बात करनी है इसमें कि डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के नेम दिखने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं और किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहते हैं। तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमने कुछ सीमाएं मानी हैं कि केमिकल रिएक्शन हम उसे तभी मानेंगे जब कुछ चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो उसके स्टेट में कुछ चेंज आ जाए, लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, है ना। कोई भी चीज़ अगर अपना स्टेट चेंज कर दे तो हम उसे कहते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है। कोई भी चीज़ अगर अपना टेम्परेचर चेंज कर दे तो हम कह देते हैं वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपना कलर चेंज कर दे, स्टेट चेंज कर दे, तो ये सब, जब ये सब चेंजेस हम किसी चीज़ में देखते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शंस होने पे अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए, उसके शेप में चेंज आ जाए या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, ठीक है, या उसके स्टेट में चेंज आ जाए, जो किसी का एक पार्ट होता है स्ट्रक्चर, मतलब जो भी इसका स्टेट होता है उसमें चेंज आ जाए, तो इस प्रकार के जब चीज़ें होती हैं किसी भी रिएक्शन में तो हमें क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिली है, जो कि आपके NCERT में भी दे रखा है। ठीक, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो अब हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन जो है, हम किसी चीज़ को केमिकल रिएक्शन जो है वो कब कह सकते हैं। ठीक है, अब एक होती है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जनरली हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं, इसका मतलब रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं जिससे क्या होता है वो बैलेंस दिखने लग जाए, और उस प्रक्रिया को स्ट्रक्चरली तौर पर लिखते हैं, जब हम स्ट्रक्चर तौर पर लिखते हैं, चलिए फॉर्मूला के थ्रू इसको डिनोट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वैसे ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती है, किसी न किसी चीज़ के साथ कंस्टिट्यूट करके रहती है, तब मैंने जनरल से बताने के लिए बताया, जैसे कि H+OH बन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो एक तरीके से ये दिखाने के लिए केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन जनरली होते क्या है। ठीक है बच्चों, वैसे ही NCERT में दे रखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसी इस प्रकार की चीज़ों को हम जनरली क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो हम स्ट्रक्चरली केमिकल फॉर्मूला दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जनरली अगर मानोगे H+OH, ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब इससे क्या बन जाता है, H2O, मतलब कि क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, तो इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में जुड़ रहा है, इसे क्या कह देते हैं हम, रिएक्टेंट,
और दूसरी तरफ जो चीज़ बनती है हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन की वजह से जो चीज़ बन रही है हम उसे क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसी में एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम एक एग्जांपल लें तो एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल दे रखा है कि जब हम मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम को किस चीज़ के साथ प्लस करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, MgO, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका 2, ये जो है ये 2 नेगेटिव चार्ज इसके साथ चला जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज की बैलेंसिंग हो जाएगी, और क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा, 2MgO, ठीक है, या MgO2, MgO2 तो हम इसे, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं MgO2, ठीक है। तो इस हिसाब से इस रिएक्शन को हम दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो MgO2 समझ में आया। इसमें हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसके साथ जो ये बनेगा इसे हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट। इसे कहते हैं क्या, रिएक्टेंट, और इन दोनों को, और इसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब हम इस लेसन में आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि ये बैलेंसिंग वगैरह जो है वो कैसे हमें देखने को मिलती है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे इस रिएक्शन में, ठीक। तो जैसे कि इन्होंने एनसीईआरटी में एक रिएक्शन भी बता रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला उन्होंने क्या बताया कि Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, लेकिन अब मैं थोड़ा आगे के बारे में बता देता हूँ। अभी हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस के बाद हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या होती है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस के बाद हम क्या देखेंगे इसमें, देखो पहले हम देखेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिएक्शंस की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि नामकरण केमिकल स्ट्रक्चर में केमिकल फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा उसके बारे में। मैं एक और बार इसमें रिपीट कर देता हूँ कि जैसे देखो जो केमिकली केमिकल नेम होता है इनका, मतलब जिससे इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि देखो पहले नंबर पे आपको पता था कि पहले नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसको डिनोट किससे करा जाता है, एच से। दूसरे नंबर पे क्या आता है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हीलियम, ठीक है, ठीक, ये एच ई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, क्या आता है, लिथियम, ठीक है, LI, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, बेरिलियम, बी या BI जो भी है। पांचवे नंबर पे क्या आता है, बोरोन, बोरोन आता है, हाँ बोरोन आता है। और छठे नंबर पे क्या आता है, कार्बन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली C से। सातवें नंबर पे आपको पता ही क्या आता है, नाइट्रोजन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N2 से। आठवें नंबर पे आपको पता है क्या आता है, ऑक्सीजन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम O2 से। उसके बाद नवे नंबर पे क्या आता है, नियोन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, नियोन आता है। नवे नंबर पे आता है फ्लोरीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। दसवें नंबर पे आता है हमारा नियोन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N से, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है हमारा सोडियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। 12वें नंबर पे क्या आता है हमारा मैग्नीशियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। 13वें नंबर पे क्या आता है एल्यूमिनियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Al से। 14वें नंबर पे क्या आता है हमारा, 14वें नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे से। 15वें नंबर पे क्या आता है हमारा, फॉस्फोरस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। 16वें नंबर पे हमारा आता है सल्फर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। उसके बाद 17वें नंबर पे हमारा आता है क्लोरीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। 18वें नंबर पे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्गन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ar से। उसके बाद 19वें नंबर पे हमारा क्या आता है, कैल्शियम या पोटेशियम, पोटेशियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। उसके बाद हमारे 20वें नंबर पे क्या आता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली किस से, CA से। अब इनके चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर एक प्लस, एक सेकंड, नहीं दूसरे नंबर से लिख देता हूँ। चार्जेस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर रहता है एक प्लस का चार्ज,
इस हीलियम के ऊपर हम मानते हैं जनरली 2+, क्योंकि अब अगर ने पढ़ा होगा तो। बाकी अब जो मेन मेन जो चीज़ें हमें जिनके चार्जेस से ध्यान देना, वो ये है पॉजिटिव वाला। और ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है क्या रहता है, माइनस का। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, आप जब इसका आखिरी वाला शेल वैलेंसी वगैरह निकालोगे तो उस हिसाब से आप इसका बता पाओगे, ठीक। ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। बाकी नाइट्रोजन के में क्या होता है, 2, और आखिरी वाले में क्या, 4 चले जाएंगे तो 3 का देखता है ये, ठीक है। तो ये क्या, 3। फ्लोरीन का आपको पता है ये माइनस रहता है। नियोन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस के ऊपर कोई तो ज़्यादातर कोई चार्ज नहीं होता, इसका प्लस होता है, इसका 2+ होता है, इसका 3+ भी होता है। इसका सिलिकॉन का आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं, जनरली H2+ भी कहते हैं इसको। फॉस्फोरस के ऊपर डिफरेंस वेराइटी ऑफ चार्ज, अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाते तो उसमें PO4 नेगेटिव भी देखने को मिलता है हमको, ठीक है। सल्फर के ऊपर जो रहता है चार्ज कितना रहता है वो आप देख के बताना, ठीक। क्लोरीन के ऊपर माइनस रहता है, ये तो आपको पता है नोबल गैस में रहता है। आर्गन और ये पोटेशियम पे भी प्लस का रहता है, ठीक है। तो जनरली इन पे ये चलता है, ठीक। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया इनका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जैसा, जिसमें आपको मैंने कहा एलिमेंट के नाम। इसमें आपको इन सब चीज़ों के चार्ज वगैरह पे भी ध्यान देने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, ताकि आप क्या करो कि जब भी कोई दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो उसके मॉलिकुलर फार्मूला को समझने में, ठीक है। मेन मुद्दा जो है हमारा वो है इनका ये डिनोशन वाले, ये याद रखना, जो भी मेनली यूज़ होने वाले हैं रिएक्शंस में, क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर मतलब ये केमिकल नेम का ही इसमें इस्तेमाल हुआ जिससे इनकी डिनोशन होती है, तो इन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए अब इस लेसन में हम फर्दर मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है अब इस लेसन में। तो बच्चों अब हम इस वीडियो में आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करी जाती है केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि देखो क्या होता है ना कि हमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करने से पहले ये एक रिएक्शन देख लो आपकी कैसे कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि ये आयरन एफीफेरिक जिसको कहते हैं, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ तो क्या बनाता है, ये F3O4+4H2, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं जब भी हमें केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, कि देखो इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो मैंने इसके स्टेट का ध्यान रखा है, ठीक है, कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरी चीज़ क्या, मैंने इसको बैलेंस करा है, इसके ये जो चीज़ हैं जो पहले पहले लिखे रहते हैं हम इसे क्या कहते हैं, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मोल्स। कोई चीज़ कितने मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, कितने नंबर है उस चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन अलग होती है, मोल्स अलग होती है, ठीक है। मोल्स एक तरीके से कंसंट्रेशन बताने का ही, कितना स्ट्रॉन्गर है वो चीज़, किसी चीज़ कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई कितना वीक है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। मोल्स उसका नंबर बता रहा है जनरली, ठीक है, बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को जिसकी ज़रूरत होती है फॉर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस वी नीड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो आगे इसका लिखा रहता है जिसे हम क्या देते हैं, मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स ये हैं, ये इतने मोल्स हैं, ये इतने मोल्स हैं, ठीक है। अब देखो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा, हम कितने मोल है, 1 मोल, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आयरन का, जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या करता है, ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है इसके साथ जाके यहाँ पे जो बना रहा है, और साथ में 4 H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज़ कर देता है। अब आपको पता है आयरन जो होता है वो सॉलिड पाया जाता है, वाटर जो है ये वेपर्स के फॉर्म में दिखा रखा है यहाँ पे, गैस के फॉर्म में जनरली ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये क्या बनाता है, ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है जो कि सॉलिड होता है, और फिर ये 4H2 यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि जब ये, आप मानो कि ये इतनी सी रिएक्शन हुई और इससे फेरिक ऑक्साइड जब ये बना होगा तो उसके बाद क्या हुआ होगा कि अब कितने मॉलिक्यूल इसमें, 3 Fe चले गए और यहाँ पे कितने चले गए, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन तो चले गए, ठीक है। लेकिन 4 ऑक्सीजन जाने के बाद और 3 Fe जाने के बाद भी हमारे पास कितने बचे रह गए, लगभग 8 H2 बचे रह गए, तो वो 8 H2 हमने यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने अभी तक तो नहीं बताया, ये किस चीज़ का एग्जांपल, आप इसे मान सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो सकता है, जिसमें क्या हुआ होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो जब रिएक्ट करी होगी हाइड्रोजन के साथ 340 ATM,
यहाँ पे एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर नाप के मतलब प्रेशर नापने के और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिससे प्रेशर को हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिनोट करते हैं, जैसे मिलीमीटर, क्या कहते हैं, मिली, एक जो आता है उसमें क्या कहते हैं उसको, जिससे स्पैग्मोमैनोमीटर कहते हैं ना उसको, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसमें भी MMHg होता है, ठीक है, मिलीमीटर Hg, ठीक है, वो राइज करते हैं ना उसके बिहाव पे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो भी प्रेशर मेजरिंग के लिए ही होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर को डिनोट करने के ही काम में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर गए इस रिएक्शन में, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जब दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा गया H2 के साथ, ठीक है, तो मोल के साथ, तो क्या बनाया उसने, ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना, इसको हम कहते हैं एक कार्बन है। आपने पढ़ा भी होगा, मतलब पांचवें लेसन में आएगा ये फर्दर, कि एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रखा है, OH ग्रुप, तो इसे हम क्या कह देते हैं, मिथेनॉल, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, तो अभी तक इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में मैं एक और बार ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे और फिर बस उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होती है और बाकी कोरोजन रस्टिंग वगैरह ये वाले फिनोमेना क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस हम किसे कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हम तब कह सकते हैं जब कोई चीज़ अपनी स्टेट को चेंज कर ले, मतलब अगर बिहार में रहते हैं तो यूपी में चले जाए, ऐसे की बात नहीं हो रही, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम स्टेट का मतलब यह है कि वो चीज़ जो है वो सॉलिड है तो ये लिक्विड में बदल जाए, या लिक्विड है तो वो गैस में बदल जाए, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप बेसन के पकौड़े बनाते हो ना, तो क्या क्या देखते हो उसमें, बेसन का पकौड़ा आपने चढ़ा दिया, मतलब पहले तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है जो पूरा बना रखा है, ठीक है, कटोरी के अंदर। अब उसके बाद उसे जब आपने डाला, ठीक है, पकने के लिए धीमी आंच पे, पकने के लिए डालो उसे धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज करोगे आंच तो क्या होगी, वो चीज़ें जल जाएगी, ठीक है। तो नीचे आपने जब फूल लगा रखा है सिलेंडर वाला वो पोर्शन, जब वो जल रहा है तो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो पकौड़े हैं वो धीरे धीरे क्या तले जा रहे हैं, है ना, पकौड़े धीरे धीरे क्या रहे, बन रहे हैं। और आप ऊपर से क्या कर रहे हो, ऊपर से इसमें क्या कर रहे हो, पकौड़ों को आप डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लेके इसको डाल रहे हो यहाँ पे, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। पहले वो लिक्विड से थे, ठीक है, गीले गीले से थे, अब वो कैसे बन रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हो गई नहीं एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन, पहले वो पीले कलर के थे, उनका कलर कैसा था, पहले उनका कलर क्या था, जब आपने उसको घोला था तो उसका कलर क्या था, येलो था। अब उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। तो चेंज इन कलर भी कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अब पहले क्या था, ये ऑफ था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऑन हो गया है, एक तरीके से इसकी ताव हम धीरे धीरे तेज भी करें पकाने के लिए, तो टेम्परेचर चेंज होने पे क्या हो रहा है, ये ब्राउन से अब थोड़ी देर और रहने देंगे तो कैसा दिखने लग जाएगा, ये ब्लैक। तो मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने पे भी आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी देर इसको और ज़्यादा पका देंगे, जब ये ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसमें से क्या आने लग जाएगी, बदबू, ठीक है, मतलब इसमें से कैसे कुछ गैस वगैरह निकलने लग जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, धुआं फैलने लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसमें से क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ, या इवॉल्व होता है गैस का, ठीक है, इवॉल्व होता है गैस का, गैस विल इवॉल्व फ्रॉम इट, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट देखे जो कि इसमें देखने को मिलेंगे हमें, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आएगी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और किस किस चीज़ के बिहाव पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करी गई है, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, और बीच में मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस मतलब जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है उनका केमिकल नेमिंग कैसे होती है, तो वो मैंने बताया। उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की, अगर हम बात करें कि बैलेंस कैसे करना है केमिकल रिएक्शंस को, तो मैंने उसके लिए बता दिया आपको केमिकल जो नेम होते हैं चीज़ों के, केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स, वो मैंने बता दिए। जनरली जो हम देखते हैं जनरली रिएक्शंस में वही होते हैं, कार्बन वाला, सीस वाला यूज़ होता है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया,
यही सब जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम इन्हीं का ध्यान रखते हैं, ठीक। बाकी एक और चीज़ बता दूँ जो जनरली जो रिएक्शंस वगैरह में आगे फर्दर आएंगी, जैसे देखो ये होता है ना NO2 नेगेटिव और एक होता है NO3 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं नाइट्राइट, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं नाइट्रेट, ठीक। बाकी आप एक बार फिर से जाके क्या करना कि एक से लेके 25 तक जितने, एक से लेके 25 तक नहीं सॉरी, एक से लेके 20 तक, क्योंकि आप तो 10th में, एक से लेके 20 तक जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक बार जाके देख लेना, उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है और उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक बार देख लेना, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर उन लोगों का कैसा है, मतलब कि उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 9th क्लास में बता रखा है ना ये, और उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका एटॉमिक मास क्या है, ठीक। तो हमने ये चीज़ें जो हैं अभी तक पढ़ी इसके अंदर, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या करा है एनसीईआरटी में, इन्होंने क्या क्या बताया एनसीईआरटी में, इन्होंने बैलेंसिंग इक्वेशन में ये बताया है कि आप सबसे पहले क्या करो, एलिमेंट को बैलेंस करो, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब चीज़ों को बैलेंस करो, या ऑक्सीजन हो गया, इन सब चीज़ों को बैलेंस करो, उसके बाद उसे बॉक्स के अंदर डाल दो, उसके बाद फर्दर उसका उसके स्टेट के बारे में लिखो कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है ना, फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, और उसको न्यूमेरिकली काउंट करो, ठीक है, काउंट द एटम प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी में बताई गई हैं। अब फर्दर जो हम मूव करेंगे, हम क्या करेंगे, अब फर्दर हम मूव करेंगे और हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम पहले तो वर्बली मैं बता देता हूँ, मतलब थोड़ा लिख देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होंगे। तो देखो रिएक्शंस के टाइप क्या क्या होंगे, ठीक है, एक होगा मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ, एक होगा क्या कहेंगे उसको, जिसमें दो चीज़ों का हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से कोई चीज़ जब बने हमें उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक कैसा होगा, इसी का दूसरा जुड़वा भाई होगा जिसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और फिर एक कैसा होता होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो इतने इतने प्रकार के हमें रिएक्शन अभी इसमें जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, और कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें जनरली हीट का इवॉल्व होती है, मतलब कि बाहर की तरफ हीट निकलती है, ये हीट जिस फॉर्म में निकलेगी वो एनर्जी के फॉर्म में भी निकल सकती है, ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जनरली ये किसका एग्जांपल कह सकते हैं, रेस्पिरेशन का एग्जांपल कह सकते हैं, रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा अभी एक बार आपको, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट का यूज़ होता है, ठीक है, हीट इवॉल्व नहीं होता, हीट टेक करता है, हीट अपटेक करता है, तब ये रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। जब आप फर्दर मूव करोगे क्लासेस में तो आपको पता चलेगा इनके कुछ सिग्नल्स, मतलब कुछ साइन भी होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव किससे डिनोट करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ में तो इनके कुछ साइन कन्वेंशंस भी होते हैं जो कि आप जब आगे की तरफ जाओगे 11th क्लास में केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ में बता रखा है। तो एक छोटा सा आउट ब्रीफ अभी तक, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मूव करेंगे किसकी तरफ, एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन, जंग लगना, ठीक है। लेकिन जब वो जंग एलिमेंट्स में लगते हैं तो उसे हम कोरोजन कहते हैं, और जब वो जंग जो होता है वो आयरन में लगता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्पेशल पे केस में रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम रेंसिडिटी के बारे में बात करेंगे कि रेंसिडिटी में क्या होता है और ये कैसे फॉर्म करता है। बाकी एक और रिएक्शंस हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक चीज़ जो मिसिंग हुई वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रकार के रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम जनरली एक कंपैरिजन का चार्ट बनाएंगे और उसी में इन सारे रिएक्शंस के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने जैसे एक्सोथर्मिक बता रखा है, इसके बारे में रिएक्शंस बता दूंगा आपको, एंडोथर्मिक के बारे में,
और कोरोजन और रेंसिडिटी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला पहला लेसन जो है हमारा ये एक तरीके से कह सकते हैं आप ख़त्म हो जाएगा। मेन पार्ट जो इसमें रहेगा वो आपको कब समझ में आएगा, जो कि इसके जो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन है आपको समझ में तब आएगी जब आप ये देखोगे कोई चीज़ किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करने के बाद अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा होगा तो आप उसके मोल्स कैलकुलेट या नंबर कैलकुलेट करके आप उसको धीरे धीरे करके क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसके टाइप्स की तरफ मूव करते हैं और उस टाइप्स में भी आपको जनरली हर बार मैं रिएक्शन को बैलेंस करना बताता रहूँगा। ठीक है, तो अब हम इसके जो है वो केमिकल रिएक्शंस के टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों चलो अब हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन कर लेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या क्या प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस प्रकार की रिएक्शन होगी, देखो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को जुड़ के एक चीज़ बनना, ठीक है, प्रोडक्ट बनना, मतलब दो रिएक्टेंट्स को जुड़ के एक प्रोडक्ट बनना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन करना किसी भी दो चीज़ों को जिससे कोई एक चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोई दो चीज़ जोड़ोगे, कार्बन ऑक्सीजन जोड़ लो उससे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। दो मोलिक्यूल जोड़ लो ऑक्सीजन के तो उससे क्या बन जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो वही एग्जांपल बता रखा कि कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ लो तो उससे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप H2 के मॉलिक्यूल्स को O2 के साथ जोड़ोगे तो आप क्या बना दोगे, H2O बना दोगे। आप अब इसमें देखो स्टेट लिखना, अगर मैं भूल के तो लिख देता हूँ, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा और ये क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कुछ नहीं होते, उस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि दो चीज़ों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, दो चीज़ों मतलब दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करा जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और क्या क्या होता है कि जैसे कि रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो अपोजिट एग्जांपल जब हम करते हैं तो रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही हमको क्या मिलता है देखने को, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो वो किसका पार्ट हो रहते हैं हमारे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही वो पार्ट होता है। ठीक है, तो वो सब किसका पार्ट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो मैं इसको जब मैं मिटाऊंगा तो मैं उसके बारे में एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो वाली क्वेश्चन भी लिख के आपको समझा दूंगा कि एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट को बाहर निकालते हैं और एंडोथर्मिक होते हैं जो हीट को लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर हम मूव करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, किसी भी एक चीज़ का टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाना, है ना, जिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं जनरली। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी सिंगल रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट में टूट जाना। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या बोल रखा है, चूना पत्थर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, लाइम स्टोन को अगर आप हीट करते हो तो अब क्या देखोगे कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है जो कि सॉलिड होता है और साथ में एक गैस निकलती है जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको CO2। ठीक है, गैस निकलती है। ठीक, अब एक और रिएक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन, जिसमें किसी चीज़ को जला देते हैं तो उसके जलाने के बाद क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो बाहर की तरफ, मतलब CO2 वगैरह जो होती है वो बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब बाकी हम अगर फर्दर देखें तो इसके बाद क्या डिस्कस करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ये वाले रिएक्शन हो गया, इसी को हम लाइम स्टोन कहते हैं और इससे जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है हम इसे क्या कह देते हैं, सॉलिड में क्विक लाइम कह देते हैं। क्विक लाइम ही जो होता है उसकी ज़रूरत होती है सीमेंट वगैरह बनाने के तौर पे। ठीक, ये एक और रिएक्शन दे रखा है जिसमें वही बता रखा है कि जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद ये चीज़ क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में है जो टूट जाएगी। ठीक, फेरस सल्फेट आपको पता है इसका क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, फेरिक ऑक्साइड गैस रहेगा जनरली। ठीक है, ये गैस ही होता है और ये गैस ही होता है। वैसे फिर एक और रिएक्शन बता रखा है जिसको हीट करने के बाद दो हिस्सों में टूट जाएगा, जैसे कि AgCl। ठीक है, AgCl जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, वो सिल्वर प्लस क्लोराइड में। ठीक है, तो AgCl जो है वो भी ऐसे ही एक चीज़ से, मतलब एक जो सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही होता है, एक चीज़ का टूटना दो हिस्सों में। ठीक है, आप दो या दो से अधिक हिस्सों में भी टूट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिएक्टिव सीरीज़ के बारे में पता हो। रिएक्टिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, उनकी नंबरिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। ठीक है,
तो इसमें जो ज़्यादा नंबर वन पे जैसे पोटेशियम या सोडियम होगा तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उनकी तादाद जो है मतलब उनके अंदर स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो दूसरों को रिप्लेस करके या डिस्प्लेस करके खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस प्रकार के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव किसको, एलिमेंट्स को। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहेगा कि जिंक जो है जब ये जो जिंक जो है जब ये कॉपर सल्फेट के साथ जो है रिएक्ट करता है तो क्या कर देता है, जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, जिंक सल्फेट देता है प्लस में कॉपर दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को वो डिस्प्लेस कर पाते हैं। मतलब जब भी हम रिएक्टिव टेबल आप देखोगे जाके, तीसरे लेसन या किसी लेसन में दे रखा है, उसमें जब भी आप रिएक्टिव टेबल देखोगे तो उसमें देखना कि रिएक्टिव टेबल में जिंक जो है वो ऊपर आता होगा, कॉपर जो है उसके नीचे आता होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो चीज़ें होती हैं, दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं। जैसे बेरिलियम जो होगा वो सल्फेट के साथ आ जाएगा, जो और जो सोडियम होगा ये क्लोराइड के साथ आ जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो इनके आयंस होते हैं वो आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो पीपीटी प्रिसिपिटेशन का निर्माण कर देते हैं। मतलब कि कुछ बचा बचा रह जाता है वाइट जैसा, वो पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं हो पाते, इनसॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी इनसॉल्यूबिलिटी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट बच जाना। ठीक है, तो इनके आयंस जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। आयंस इनके सल्फेट के और इसका बेरियम का रिएक्ट कर जाएगा आपस में, तो ये क्या बना देगा, प्रिसिपिटेट। वरना मैं इसको क्या लिखता, एक्वस लिखता, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी क्या है, एक्वस है, लेकिन ये क्या बनाते हैं, सॉलिड जैसा प्रिसिपिटेट बना देते हैं, सॉल्युबल नहीं हो पाते लिक्विड में, इसीलिए इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनका रिएक्शन हो जाता है और दो तरफ से डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्शंस में दोनों एलिमेंट्स का, इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आखिरी जो रिएक्शन बचा वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत ही बता रखा है, एक मतलब एक लाइन वाइज से ही आप समझ सकते हो, बाकी अब फर्दर जो है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो 11th क्लास में बता रखा है केमिस्ट्री में। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन करके केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में एक लेसन है। ठीक, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। बाकी यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे बस डेफिनेशन बताइए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीजन को जो ले लेता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो रिडक्शन मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसके उल्टे टर्म्स में भी बात को समझे तो ये हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन को ले लेता है हम उसे रिडक्शन कहते हैं, और जो हाइड्रोजन को छोड़ देता है हम उसे क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे जो कॉपर है इसके साथ क्या लगा पड़ा, ऑक्सीजन लगा पड़ा, तो जो कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देने वाले प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, कि इस कॉपर का क्या हो गया होगा, रिडक्शन। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसने क्या करा है, उसने ऑक्सीजन को अपने साथ में मिला लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो गया होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, 10th क्लास में जनरल से हमें इतना सही समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो मैं एक और बार आपको ये ब्रीफ दे देता हूँ। तो मैंने क्या बताया, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैंने पहले क्या बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, डिकम्पोजिशन बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट बताया, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बताए। जनरली जो इनके इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना आप गिन के ही सीख जाओगे, एटम को जब आप गिनोगे तो एटम अगर पूरे नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप समझ जाओगे किस चीज़ को बैलेंस करना है। जैसे बैलेंसिंग के तौर पर आप इस वाले रिएक्शन को देखो, इसमें क्या है कि अगर ये फेरस सल्फेट है, आपको एग्जाम में अगर ये देगा तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में दे देगा, क्योंकि अभी आपसे उतना ज़्यादा बैलेंसिंग वो नहीं उम्मीद करता। एफी अगर फेरस सल्फेट है, जब ये रिएक्ट कर मतलब जब ये हीट होगा तो ये दो हिस्सों में टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है क्या देखने को मिलेगा, इसके दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है कि दो ही आयरन है और दो ही सल्फेट है, मतलब सल्फर भी दो है, ऑक्सीजन जो है वो 8 है और आयरन जो है वो कितने हैं अगर देखा जाए तो। मैं इसको थोड़ा एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है, बाकी उन सब रिएक्शन में कुछ नहीं है, बैलेंसिंग पे ही थोड़ा ध्यान देते हुए इस पर मैं थोड़ा बताता हूँ। तो अब हम इस रिएक्शन को ही थोड़ा देखते हैं।
ठीक। तो देखो इस रिएक्शन में क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूँ 2FeSO4, तो इसका मतलब क्या है कि Fe कितने हैं हमारे पास, 2, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर कितना, SO4 कितना है हमारे पास, SO4 में S जो है वो 2 है, O जो है वो कितना है, 2 × 4 क्या हो जाएगा, O क्या है हमारे पास 8 है। लेकिन हम दोनों इन दोनों चीज़ों को अगर साथ ही में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है SO4 के, ठीक है। तो अब जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हीट करने के बाद, उसमें क्या होगा कि उसमें 2 आयरन तो होने ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, Fe2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 2, ये हो गए 5 और यहाँ पे हो गए 3, मतलब ये हो गए 8। अब 8 ही तभी होंगे जब यहाँ पे कुछ लग रहा होगा, O5 होगा नहीं, O2 होता नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O3 प्लस। अब सल्फर है, सल्फर हमारे पास कितने हैं, 2, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये है 2। तो अब ये बनाएगा क्या, बनाएगा SO2। जब SO2 बनाएगा तो यहाँ से कितने चले गए हमारे पास, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बचे कितने ऑक्सीजन, बचे हमारे पास 3 ऑक्सीजन। तो सल्फर और बच, सल्फर कितना बचा, सल्फर बचा 1, तो समझे। तो वैसे ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि 2 मॉलिक्यूल थे आयरन के, दिए रहे 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल थे सल्फर के, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने थे, 8, 2, 3, 5 और 3, 8। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को इस हिसाब से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देखोगे तो आप केमिकल रिएक्शंस को क्या करोगे, बैलेंस कर पाओगे इजीली तौर पे, ठीक है। बाकी जो गैसेस है वो तो आपको याद ही रहेंगी। अगर आपसे फिजिकल स्टेट भी किसी चीज़ की पूछता है तो जो गैस है वो तो आपको पता ही है कि हैलोजन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है। ब्रोमीन तो फिलहाल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी दूसरे हैलोजन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो गैस रहते हैं, गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अब बाकी, अब एक टॉपिक जो क्या बचा हमारा इसमें, वो बचा कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। और कोरोजन के बाद क्या बना, एसिडिटी का एक पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, कोरोजन जंग लगने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ एटमॉस्फेयर से क्या करती है, एटमॉस्फेयर से, जब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाती है तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोरोजन देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन होती है, उनके पास एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंपोजिशंस होती है, गैसेस की कंपोजिशन होती है। तो जब उनके साथ कोई एलिमेंट जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट का जो रिएक्शन जब हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, और कोरोजन का ही एक प्रकार होता है, किस चीज़ का, रस्टिंग का, कोरोजन का ही एक प्रकार होता है क्या, रस्टिंग, जो हमें किस में देखने को मिलता है, आयरन में, ठीक है। तो जब जंग लग जाती है आयरन में तो हम उसे कह देते हैं रस्टिंग, और जब जंग किसी और चीज़ में लग जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। जैसे कि सिल्वर वगैरह होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, कॉपर वगैरह होते हैं उनमें जब जंग लगता है तो वो हरे कलर के हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए सुनार की दुकान पर उसको देना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम बाद साफ करने के लिए। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या होती है, क्या आपने देखा होगा जो पैकेट होते हैं, किस चीज़ के पैकेट, चिप्स के पैकेट जो होते हैं, चिप्स के पैकेट या कोई भी खाने फूड प्रोडक्ट बेस्ड जो पैकेट्स प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली कौन से प्रोडक्ट होते हैं, फूड में भी पैकेट प्रोडक्ट जो पैकेट में बने पड़े होते हैं, ठीक है, पैक कर रखे होते हैं पैकेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, जो कि क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, या नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सेफ के सेफ रह जाते हैं, ठीक है, वो ख़राब नहीं होते, उनमें कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना कि आप दुकान पे जाते हो कोई फूड प्रोडक्ट लेने, या चिप्स का पैकेट लेने चले गए, या किसी चीज़ का मतलब पैकेट लेने चले गए, बिस्कुट वगैरह का किसी चीज़ का पैकेट लेने चले गए, और आपने देखा कि भाई उसकी तो हवा निकल रखी है, तो आप क्या वो प्रोडक्ट लेते हो, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर का जो स्वाद है वो बिगड़ गया होगा, वो मिहा गया होगा, ठीक है। बिस्कुट वगैरह भी हैं तो करारे नहीं लगेंगे खाने में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जनरली जब वो प्रोडक्ट जो होता है, जो पैकेट रहते हैं, फूड पैकेट्स जो रहते हैं, अगर वो खुले हुए रहते हैं तो उनमें क्या होता है वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद क्या होता है, उनका जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है,
वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि बिगड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, तो उनका टेस्ट जो होता है वो बैड हो जाता है, ठीक है। और वो हमारी हेल्थ को क्या करता है, डैमेज करता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को हम खा लेंगे तो हमारी हेल्थ को क्या करेगा, वो डैमेज करेगा, ठीक है। तो उसके इसीलिए हम वो सब चीज़ों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती, या अनरिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती। इस वजह से क्या होता है कि हम वो सारे पैकेट फूड्स जो हैं वो कंज्यूम कर पाते हैं इजीली। और अगर वो कभी पैकेट फूड्स, मतलब पैकेट प्रोडक्ट्स जो है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कट वगैरह लगा पड़ा है या उसमें से जो गैस है वो निकल गई है, तो हम उसे परचेज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उसका स्वाद जो है वो ख़राब हो चुका होगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है रेंसिडिटी की, जो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है चीज़ों का, जिससे वो चीज़ें क्या है वो ख़राब हो जाती है। हमारी बॉडी में भी अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो उससे हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, तो हमारी एजिंग प्रक्रिया भी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाना वो खाना चाहिए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे फूड्स खाओ जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो, ठीक। तो अब क्या एक चीज़ बता रहा था जो मैं उस टाइम मैंने नहीं बताई थी, मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में वही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता रहा था। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के अपोजिट एक रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है हमको, CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है, ठीक है, प्लस एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, जब इसमें हीट लगती है, मतलब हम कुछ मेहनत वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या होता है, हमें इसी प्रोसेस से हम क्या ले पाते हैं, रेस्पिरेशन में क्या ले पाते हैं, एनर्जी को ले पाते हैं, ठीक है। आप ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन करोगे तो आप तभी क्या ले पाओगे, एनर्जी ले पाओगे, ठीक है। तो उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर का भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसी प्रकार प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका उल्टा चलेंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्रोसेस चलेगी तो हमें क्या कह देते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसमें चलती है, प्लांट में चलती है, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पे जब भी प्रोसेस चलती है तो इसके साथ में कुछ ऑक्सीजन भी मिल जाता है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। और जो जनरली ये वाला प्रोसेस जो चलता है, ये प्लांट्स में भी चलता है और हम में भी चलता है। हमारे में हमें क्या मिलता है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। सॉरी, हमें क्या मिलता है इस प्रोसेस के थ्रू, हम क्या डिराइव कर पाते हैं, ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। मैं बाकी आप शॉर्ट सा एक ब्रीफ दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस लेसन को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह है वो आपको अच्छी तरीके से तब समझ में आएंगी जब आप क्या करोगे, एक बार जो लेसन है आगे वाले उनमें जाके एक बार रिएक्टिव सीरीज़ देख लोगे। रिएक्टिव सीरीज देखने के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैं अब इसके बाद सेकंड लेसन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं थर्ड लेसन पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं वो बताऊंगा रिएक्टिव सीरीज़, ठीक है। तो आज हमने इस लेसन में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी बस ख़त्म कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उनको लिखते कैसे, केमिकल रिएक्शंस के चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के चेंजेस क्या होते हैं जिसके बिहाफ पे हमने केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के बाद उस कैंसर आइटम जैसे डब्बे बना के एलिमेंट्स बैलेंस, फिर काउंटिंग वगैरह बता रखी, फिर उसकी फिजिकल स्टेट वगैरह लिखवा रखी है, ठीक है। तो जनरली आप में तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स ही वाला ही पोर्शन आएगा, कि आप पेपर तो MCQ होंगे, बाकी आप उसको एक बार देखोगे तो आप खुद से एक बार समझने की कोशिश करोगे। तो एक बार रीड करोगे ना जब लेसन मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप ज़्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। स्पून फीडिंग क्या करा दूंगा, या मैं ही उसको बैलेंस करना ढंग से बता दूंगा, तो आप वो कभी भी वीडियो देख के नहीं सीख सकते जब तक आप उसे खुद करके नहीं देखोगे, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। मैं थ्योरेटिकल जो भी बता दूँ उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप एक बार खुद से लेसन नहीं पढ़ोगे। केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस करना सीख जाओगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखोगे उसके बाद, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रिएक्शन थे जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अपने हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कोरोजन देखा, और उसके बाद हमने आखिरी प्रोसेस जो था वो क्या था, रेंसिडिटी देखा, ठीक है। तो यही था इस लेसन में, बेसिक सा लेसन है, कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन बस यही है कि ये लेसन जो है वो अपने आगे आने वाले केमिस्ट्री लेसनों से क्या है, एक तरह पर रिलेटेड है। तो यही चीज़ों का आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो एक बार आप
थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे। नाइन्थ क्लास का अगर आपको देखना है तो मतलब वो एलिमेंट्स की नेमिंग वगैरह याद कर लेना, उनके ऊपर चार्ज कौन से प्रेजेंट होते हैं वो देख लेना, उससे आपको आसानी रहती है। कभी कभी मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है चार्जेस वगैरह में, फिर मेरे को वही KLMN बना के देखना पड़ता है कि KLMN क्या है, या फिर हम जो हायर ऑर्डर में जब 11th में आगे मूव करते हैं तो केमिस्ट्री में उसमें भी बता रखा है SPD ऐसे करके ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें भी हम उसे फिल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में हमने जो जो चीज़ें सीखी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, मतलब जो साइंस का है 10th क्लास का, वो सेकंड लेसन के बारे में हम डिस्कस करें। तो नमस्कार दोस्तों, आगे मिलते हैं।